श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सुहान। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूडामणिम। शांत सनातन अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्वाहा रघुपते हृदय मदीय सत्यम वदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृषानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। माता सीता की खोज में हनुमान जी निकल रहे हैं और सभी वानरों से कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि पर केहु तुम भाई सही दुख दंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए वे बोले हे भाई तुम दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब लगी आवहु सीतहि देखी होइ हि काज मोहि हरष विशेषी ये कही नाइ सब हिन कहूँ माता चले हरष हिया धरी रघुनाथ। आज जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है एक कर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरी चरण दे हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता किमि अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले जिस पर से बे उछले वो तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले पवन सुत हनुमान की। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तैमैनाक होहि समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो
अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा उन्हें कर दीनि प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की।